कैसे हो सब। तो दोस्तों, आपने हाल ही में पेटा और अमूल के बीच की हुई कंट्रोवर्सी के बारे में जाना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अमूल पर आज सभी लोग सवाल उठा रहे थे, वही अमूल कंपनी आज के समय पे भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का घर चला रही है। तो कैसे इस अमूल कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने नाम का बोलबाला किया, आज हम जानेंगे अमूल कंपनी की सफलता की कहानी के बारे में। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के समरिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के आज़ादी के भी पहले से, जब 1946 में फाइनली अमूल का गठन हुआ। इस कंपनी के असली फाउंडर माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। अगर वर्गीस कुरियन जी के जीवन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस से कम्प्लीट, जिसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और साथ ही साथ मास्टर्स ऑफ साइंस USA से कंप्लीट किया। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति डेयरी इंडस्ट्री में ही अपनी किस्मत क्यों आजमाने आया था, और उसने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी डेयरी फील्ड में ही काम करने के बारे में क्यों सोचा। दरअसल असल में अमूल कंपनी को गुजरात के कुछ छोटे फार्मर्स को अपना हक दिलाने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि उस टाइम तक देश में कोई भी बड़ी डेयरी कंपनी नहीं हुआ करती थी। जब 1946 में आज़ादी के पहले भारत देश में किसानों और डेयरी उत्पादकों की बहुत ही बुरी हालत हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए ले जाया करते थे और उनको अपने दूध का सही दाम नहीं मिल पाया करता था। लेकिन उनके पास भी उस वक्त तक कोई भी चॉइस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक पूरे के पूरे भारत देश में कुछ गिनी चुनी ही डेयरी कंपनियाँ थीं जिनका पूरे भारत के डेयरी इंडस्ट्री पर कब्जा था। और उसी के चलते इन गरीब डेयरी फार्मर्स को अपना हक दिलाने के लिए त्रिभुवन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई ने मिलकर अमूल की शुरुआत की। और 14 दिसंबर 1946 को अमूल एज अ कॉरपोरेटिव कंपनी रजिस्टर हो गया। अगर आपको नहीं पता कि कॉरपोरेटिव कंपनी क्या होती है, कॉरपोरेटिव कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर बनाया होता है। और इसी के बाद त्रिभुवन दास जी के कहने पर वर्गीस कुरियन जी ने अमूल कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी USA से अपनी मास्टर्स इन साइंस की डिग्री कंप्लीट की थी। अगर वो भी चाहते हैं तो अच्छी खासी सैलरी पैकेज पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय देश की सेवा करना और देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को मिटाने के बारे में ज़्यादा सोचा। और 1949 में अमूल कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में जो कि पॉलसन डेयरी थी, उसे कैसे हराया जाए। पॉलसन डेयरी जिसने पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट करके रखा था और एक तरह से उसने किसानों के हक को मारकर उन्हें कम दाम उनके दूध के लिए दिया करते थे। जिसके बाद वर्गीस कुरियन जी ने किसानों को जाकर अमूल का मॉडल बताया और कहा कि आप हमारी इंडिया की कॉरपोरेटिव कंपनी को ज्वाइन करिए, जहां पर आप बिचौलियों से बच सकेंगे और आपको आपके दूध का सही दाम मिल जाएगा। और धीरे धीरे किसानों ने भी उनकी बात समझी और बाद में अमूल कंपनी को ही ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने ज्वाइन कर लिया। कंपनी को अच्छा चलते देख के वर्गीस कुरियन जी ने भी अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के बारे में सोचा और कैसे कम से कम लागत में किसानों और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुहैया करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी बढ़िया मॉडल बनाया। वो अच्छे से दूध की जांच किया करते थे और उसकी क्वालिटी के हिसाब से किसानों को उसका दाम अदा करते थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे लेवल्स बनाए हुए थे, जिसमें पहले विलेज लेवल पर वहाँ पर एक यूनियन हुआ करता था और साथ ही साथ मिल्क प्लांट भी, जहाँ पर उसकी क्वालिटी चेक करके उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल तक भेजा जाता था। फिर वहाँ से वो सारे घरों में दूध ट्रांसफ़र करते थे विद फुल पैकेजिंग। और इसी के बाद ही अमूल कंपनी ने काफ़ी सारे बड़े माइलस्टोन अचीव किए, जिसमें से मिल्क पाउडर बनाने का भी एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि पहले साइंटिस्ट और लोग यही कहा करते थे कि भैंस के दूध का मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वर्गीस कुरियन जी ने इस बात को बिल्कुल भी गलत साबित कर दिया और उन्होंने भैंस के दूध से सक्सेसफुली मिल्क पाउडर बना लिया। और आज के टाइम पर अमूल कंपनी न सिर्फ दूध और दूध का पाउडर के साथ साथ काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि अमूल के आइसक्रीम्स, अमूल के दूध और साथ ही साथ अमूल का पनीर। हाल ही में पेटा नाम की
एक एनिमल फाउंडेशन ने अमूल पर यह दावा किया कि उसे एनिमल मिल्क की जगह वीगन मिल्क प्रोड्यूस करना चाहिए। वीगन मिल्क एक ऐसा मिल्क होता है जो कि नेचुरल मिल्क नहीं बल्कि उसे सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क से बनाया जाता है, जिस पे अमूल के करंट हेड ने यह कहा कि आज के टाइम पर अमूल के साथ 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अमूल ही उनका घर चला रहा है। अगर वो वीगन मिल्क बनाना शुरू करके नेचुरल मिल्क रोक देगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, और उसने इस कंपनी को कड़ा जवाब दिया। अमूल जो कि भारत को भारत की आज़ादी के पहले से बहुत बार प्राउड करता आ रहा है और जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर भारत की एक अलग पहचान बनाई है कंपनीज के मामले में। तो यार होप आपको ये कमाल की सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।